बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पेज नंबर 30 पे करेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर पहले हम करते हैं पेज नंबर 29 पे डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 11। इसको आपने गौर से समझना है कि 11 पे कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। अगर हमने एक्चुअल डिवाइड नहीं करना और हमने फार्मूले से हमने ये बताना है, रूल से बताना है कि 11 पे कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ये है, एक नंबर है 1749। अगर हम इस साइड से शुरू करें, ठीक है, तो अगर हम ये बोलें कि ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ठीक है, ऑड इवन, ऑड इवन, ठीक है, तो हमने क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ऑड पे क्या है, 1 और 4, ये आ गया 5, ठीक है, और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, ये क्या आ गया, इवन पे क्या है, 7, इवन पे क्या है, 9, 16, ठीक है। हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, माइनस, जैसे 16 माइनस 5 11 आ जाता है, ठीक है। अगर ये जो है, ये 11 जो डिफरेंस जो है, ये अगर 11 पे डिविजिबल है, जो कि है, तो हम कहेंगे कि ये नंबर जो है ना, ये आल्सो इट इज़ डिविजिबल बाय 11, ठीक है, 1749 इज़ डिविजिबल बाय 11। दोबारा से हम आपको बताते हैं, हमने जो नंबर है उसके इवन जो उनके डिजिट्स हैं उनको हमने प्लेस करना है ऑड और इवन की कैटेगरी में। इसको हमने अपने पास से कह देना है ऑड इवन, ऑड इवन, ठीक है, ऑड इवन, ऑड इवन। फिर जो ऑड प्लेसेस पर नंबर जो है, ऑड प्लेसेस पर जो नंबर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, उनको ऐड कर लेना है, 4 प्लस 1 5। जो इवन प्लेसेस पर नंबर है उनको ऐड कर देना है, 7 और 9 16, ठीक है। तो इन दोनों का जो आ रहा है, ये 16 और 5 जो ऐड करके आ रहे हैं, ठीक है, इनको हमने, इनका डिफरेंस माइनस करना है, 16 में से 5 माइनस करना है, 11 आ गया। 11 जो है वो 11 पे डिवाइड हो सकता है, तो हम कह सकते, फिर हम कहेंगे कि इसलिए ये नंबर जो है ये भी 11 पे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 12, कि नंबर 12 जो है विदाउट डिवाइडिंग हम कैसे कह सकते हैं किसी नंबर के बारे में कि ये डिविजिबल है 12 पे। तो इसमें दो रूल आपने जो है ना वो देखने हैं। नंबर 1 कि उसके जो सम ऑफ डिजिट्स है क्या वो डिवाइड बाय 3 है कि नहीं है, ठीक है, ये का आपने चेक करना है। दूसरा आपने क्या चेक करना है कि जो नंबर बनता है, नंबर फॉर्म्ड एट टेंस और वंस प्लेस पे, ठीक है, क्या वो नंबर जो है वो डिवाइड बाय 4 है कि नहीं है, ठीक है, ये दो चीज़ें आपने चेक करनी है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं, रूल्स हैं, तो फिर वो नंबर इट्सेल्फ डिवाइड बाय 12 है। 1476 इस पे हम जो है ना वो चेक करते हैं दोनों रूल्स। पहला रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स इज डिवाइड बाय 3। सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 6, तो बन जाएगा 5 7, 12 प्लस 6 नंबर क्या था, 1476। तो ये देखना कि ये डिवाइड बाय 3 है कि नहीं है, तो इसको पहले, ये जो पहला रूल है ये हम चेक कर रहे हैं, ये डिवाइड बाय 3 है, ठीक है। तो हमने ये चेक किया कि
जो 1476 है इसको इसके डिजिट्स को ऐड कर लिया, सम आ गया 18, उसको 3 पे डिवाइड किया तो वो डिविजिबल है। तो पहला रूल आपका ओके हो गया। दूसरा ये रूल ये है कि नंबर फॉर्म्ड एट टेंस और वंस प्लेसेस, ये वंस है और टेंस है, तो ये जो नंबर बनता है 76, ये नंबर जो है ये क्या 4 पे डिवाइड होता है? यस, ये 4 पे डिवाइड होता है। ठीक है, तो जो नंबर बन रहा है टेंस और वंस प्लेसेस पे वो भी डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है, तो दोनों रूल आपके जो ना वो इम्प्लीमेंट हो गए, दोनों का आंसर यस हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि यस 1476 इज़ दैट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 12। ठीक है, तो ये रूल जो है ये एक और नंबर पे अप्लाई करके देखते हैं, 37548। सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 8 कितना बन गया? 10, 15, 19, 27, ये बन गया 27, ये 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो पहला रूल ओके हो गया। ठीक है, देन नंबर फॉर्म्ड एट वंस एंड टेंस प्लेस, ये नंबर जो बनता है टेंस और वंस पे 48, ये 4 पे डिवाइड हो जाता है, यस 12। ठीक है, तो दोनों रूल आपके हो गए ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि यस 37548 इट इज़ यस डिविजिबल बाय 12। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 12।